हैं पर प्रकाश और एक को कहते हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश अपने आप का प्रकाशक है और जगत का भी प्रकाशक है। सूरज को बाहर कर दो, बाहर कर दो। जो अपने को भी जानता है और सबको भी जानता है उसको चैतन्य कहते हैं। और जड़ किसे कहते हैं? जो अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता उसे जड़ कहते हैं। तो आत्मा पर प्रकाश नहीं है। आत्मा का मतलब मैं पर प्रकाश नहीं, मैं स्वयं प्रकाश। क्योंकि अपने को भी जानता हूँ कि मैं हूँ और बाकी सबको भी मैं प्रकाशित करता हूँ कि यह है, वह है, यहाँ है, वहाँ है। तो ये सब पर प्रकाश कहलाते हैं। आगे शुरू से। चंदा मरी है, सूरज मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरी है सब पर प्रकाश। चौदह भुवन के चौधरी मरी है, चौदह भुवन के चौधरी मरी है। चौदह भुवन, ये कौन सी चौदह भुवन है? चौदह त्रिपुटी। चौदह त्रिपुटी कौन सी कहलाएगी? त्रिपुटी जिसमें तीन का जोड़ होगा, इंद्रिय, देवता और उसका विषय। इंद्रिय देवता के माध्यम से विषय को पकड़ती है त्रिपुटी। तो पांच ज्ञानेन्द्रिय की त्रिपुटी, पांच कर्मेंद्र की त्रिपुटी और अंतःकरण की त्रिपुटी। चार अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इंद्रियां कितनी हो गई? चार अंतःकरण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, कितनी हो गए? चौदह। पांच ज्ञान, पांच कर्म, दस और चार अंतर, चौदह। और हर त्रिपुटी का तीन तीन का योग है, इंद्रिय, देवता, विषय। तो चौदह 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 बयालीस तत्व हो गए। ये सब पर प्रकाश। सूरज भी इसमें है, चंदा भी इसमें है, ब्रह्मा भी इसमें है, विष्णु भी इसमें, शंकर भी इसमें है, वायु भी इसमें है, दिशा भी है, इसके अंदर सूरज भी है, इसके अंदर पवन भी है, पृथ्वी भी है, जल भी है, वायु भी है। तो चौदह इंद्रियां, चौदह देवता और चौदह उनके विषय, ये सब पर प्रकाश है। मुझे कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। लेकिन मैं चौदह इंद्रियों को भी जानता हूँ। कौन नहीं जानता है? मन को चंचल है कि मेरा मन को चंचल है, अशांत है, दुखी है, मेरी बुद्धिमंद हो गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कौन नहीं जानता है? मेरी बुद्धि बहुत होशियार है, बहुत समझ, मेरा चित्त ठिकाने नहीं है, मेरा चित्त भ्रमित हो गया है और मेरा अहंकार भी बढ़ गया। तो तुमने मन को भी जाना, तुमने बुद्धि को भी जाना, तुमने चित्त को भी जाना और तुमने अहं को भी जाना। कोई ऐसा यहाँ नहीं ज्ञानी कि अज्ञानी जो इस तरह से इन चारों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार को न जानता हो। तो तुम अंतःकरण के भी दृष्टा हो गए।
और कौन ऐसा है जो अपने कान को न जानता हो कि सुनाई पड़ता है या नहीं सुनाई पड़ता है, या कम सुनाई पड़ता है या ठीक सुनाई पड़ता है। कान को भी तुम तो जानने वाले हो, त्वचा को भी जानने वाले हो कि गर्म ठंडे का पता लगता है। छू कर देखो कैसा ठंडा लगता है, इसको छू के देखो गर्म लगता है। तो ऐसा कौन है जो छूने से गर्म ठंडे का पता, कोई है ऐसा जिंदा व्यक्ति? कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि छूता तो उस तरह से उसको त्वचा का भी पता है। इसी प्रकार रूप के बारे में भी सब कोई जानते हैं कि काला है कि गोरा है कि सफ़ेद है कि पीला है कि नीला है कि बैंगनी है या यह कोई रंग नहीं। इस तरह से रंग को भी सब जानते हैं, कैसा आश्चर्य। रूप को भी जानते हैं, रंग को भी, रूप रंग का भी बोध है। आँख वाला जरूर आपको यह कोई न कोई रूप बताएगा। तो तुम शब्द को भी जानते हो कि वो अनुकूल कह रहा है कि प्रतिकूल कह रहा है, निंदा कर रहा है या मेरी प्रशंसा कर रहा है। तो आप शब्द को भी जानते हो, स्पर्श को भी जानते हो, गर्म ठंडा को भी जानते हो, मुलायम कड़क को भी जानते हो, और रूप को रंग को भी जानते हो। इसी तरह रस में कौन उत्तरदायी नहीं होगा, सब उत्तरदायी बनेंगे। रस बताओ कैसा रस है, उसको जो भी सात रंग में या सात रस में ईष्ट रस में खट्टा भी बताएगा, मीठा भी बताएगा, कड़वा भी बताएगा। और इसी प्रकार का जो जो रस है वो बताएगा। ऐसा कोई नहीं कि जीभ पे रखा और उसको पता ना लगे कि ये मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है कि मिर्च तीखा वाला है, बता देगा। रस भी बताता है, नीरस है तो भी बता देगा कि मेरे को कोई रस इसमें नहीं आ रहा, नीरस लगता, फीका फीका, उसको फीका कह सकते हैं, बोलू है। और नासिका का भी सबको पता लगता है, कोई भी ऐसा नहीं जिंदा कि मुझे गंध का पता ही नहीं लगता है। गंध भी, सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। इत्र की, पुष्प की खुशबू, पवन भी, कोई दुर्गंध कहीं से सड़ा हुआ कोई मांस पड़ा है वहाँ से हवा लेकर आ रही है, कोई ने नीचे से हवा निकाल दिया अपने ही नीचे से तो भी पता कि किसी ने पार मार दिया। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पांचों विषयों को न जानता हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय किसके हैं? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जीह्वा। तो तुम पांचों ज्ञानेंद्रियों को और पांचों विषयों को भी जानते हो, और अंतःकरण के चार वृत्तियों को भी जानते हो, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और इसी तरह पांच कर्मेंद्रियों को भी जानते हो, वाणी, हाथ, पांव, मूत्र इंद्री और गुदा। ये पांच इंद्रियां हैं, इन पांच इंद्रियों को भी तुम जानते हो। ऐसा कोई नहीं जो कह दे कि मैं हाथ को नहीं जानता, मैं पैर को नहीं जानता, कि मैं वाणी को नहीं जानता, कि मैं मूत्र इंद्री को नहीं जानता या गुदा को नहीं जानता। तो पांच कर्मेंद्रियों को भी जानते हो और पांच कर्मेंद्रियों के पांच विषय को भी जानते हो।
पूरा सूक्ष्म शरीर आ गया, पांच कर्मेंद्री आ गई, पांच ज्ञानेंद्री, पंच विषय भी आ गए, अंतःकरण भी आ गया और प्राण को भी सब जानते हैं। ऐसा जिंदा आदमी कोई नहीं कह सकता कि मैं श्वास को नहीं जानता कि श्वास भीतर की तरफ गया कि बाहर, क्योंकि जब श्वास भीतर जाएगा तो पेट फूलेगा और जब श्वास बाहर जाएगा तो पेट सिकुड़ेगा। श्वास अंदर चल रहा है तेजी के द्वारा कि बाहर जा रहा है तेजी के द्वारा, या अंदर धीमे धीमे जा रहा है कि बाहर धीमे धीमे जा रहा है। और कुंभक करते हैं उसको भी कि एक मिनट श्वास को रोक लेना, भीतर बाहर मत हो, जिधर है उधर रहने देना, अब नहीं रहा जाता। तो श्वास के रुकने को भी जानते हैं और श्वास नहीं रुकता है तो भी जानते हैं। तो पांचों प्राण अपान उदान व्यान समान, प्राण अपान उदान व्यान समान, भूख प्यास लगना यह प्राण का काम है, श्वास लेना छोड़ना यह अपान का प्राण का काम है। इसी प्रकार से आलस्य उबासी लेना उदान का काम है। तो ये पांचों प्राण भी दृश्य है। तुम कौन हो अब इसमें से खोज करो, तो न तो तुम पांच ज्ञानेंद्रिया हो, क्यों कि तुम जिसे जानते हो वो तुम कभी नहीं हो सकते हो। तुमने जाना जिसको, उसको तुम कभी मैं कहोगे तो तुम पागल कहलाओगे। जैसे यह कुत्ता है तो मैं कुत्ता हूँ ऐसा कोई कहेगा नहीं, ये लड़की है तो मैं लड़की हूँ ऐसा कोई भी, जिसे तुम जानते हो उससे सदा। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी जानते हो, तुम ज्ञानेंद्री नहीं। पांचों कर्मेंद्रियों को भी जानते हो, तुम पांचों कर्मेंद्री नहीं। इसी प्रकार पंच विषयों को भी जानते हो, शब्द स्पर्श रूप रस, तो तुम गंध ये नहीं हो, तुम पांचों से अलग हो। अंतःकरण की वृत्तियों को भी जानते हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस तरह से ये 14 त्रिपुटी 42 तत्व 42 को बन गए। एक एक इंद्रिय तीन तीन से जुड़ी है, इंद्रिय उसका विषय और उसका देव, तीन को मिलकर त्रिपुटी होते हैं। तो 14 त्रिपुटियां तीन बार जोड़ लो, 14 14 14 तीन गुमा कर लो तो 42। तुम 42 तत्वों को जानने वाले हो, 42 में से एक भी तुम नहीं हो, न अंतःकरण न वृत्तियां न ये पांच प्राण, प्राण अपान उदान व्यान समान ये भी नहीं, श्रोत्र त्वचा चक्षु जीवा घ्राण ये भी तुम नहीं, वाक पाणी पाद उपस्थिता ये भी तुम नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पंच, तो 14 त्रिपुटियों के लिए। तो ये सब पर प्रकाश है, ये सब क्या है और तुम कौन हो, तुमको ये 14 में से इन 42 में से तुम्हें कोई एक भी नहीं, बोलो नहीं, कोई है जानने वाला, तुम सबको जानने वाले हो पर तुमके कोई जानने वाला नहीं। तो 14 इंद्रियां भी पर प्रकाश है। फिर से 14 भुवन के चौधरी मरी है, 14 भुवन के चौधरी मरी है। भुवन का मतलब है एक एक इंद्री का एक एक घर है, उसमें तीन रहते हैं, चौधरी यानी उसका मालिक कह दो चौधरी, ये सब कैसे मरेंगे, कोई बचेगा नहीं। इन्हों की क्या आशा, अरे ये तो खुद मर जाएंगे, तुम इन पे क्या
आशा करते हो, इन पर क्या विश्वास करते हो? अरे डॉक्टर तो खुद मर जाएगा, वो तुम्हारे को कहाँ से अमर कर सकेगा, वो तो खुद ही मरने वाला है। वो तो डॉक्टर तुम्हारे को अमर कैसे बनाएगा, वो तो खुद मरेगा। ये 14 देवता ये तो खुद मर मिटेंगे, ये तुमको कोई देवता रक्षा करने वाला न चांद न सूरज न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर न तुम्हारे पवन न तुम्हारी पृथ्वी न जल न तेज न आकाश। गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। गुरु मरी है, शिष्य भी मरी है। आज तक कोई गुरु बचा नहीं, महान से महान गुरु, सबसे प्रसिद्ध गुरु, जगत गुरु शंकराचार्य कहाँ है, शुक्राचार्य कहाँ है, माध्वाचार्य निम्बकाचार्य, ये जितने भी हो वो भी शरीर छोड़कर गए, और उनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिष्य भी वो भी गए। जो भी शरीर को धारण करता है उसे तो मरना ही पड़ता है, तो इसीलिए यह मुर्दों का गांव है, यहाँ कोई अमर आत्मा इसमें सदा रहने वाला शरीर नहीं है। सदा रहने वाला को किसी का भी शरीर, सबका शरीर एक दिन मरने वाला है। मर गए राम और कृष्णा, मर गए राम और कृष्णा। पहला अवतार त्रेता युग में, उसके पहले सतयुग में विष्णु का अवतार, वो मर गया तभी तो राम पैदा हुआ। त्रेता में राम पैदा हुआ, वो मर गया तब तो कृष्ण द्वापर में पैदा हुआ, वो मर गया तो कलयुग में कलयुगी अवतार हुआ। तो ये मरे हैं तभी तो दूसरा पैदा होता है, एक ही अवतार सदा रहता तो दूसरे अवतारों की गिनती, लेकिन अभी तक हमारे शास्त्र 10 अवतार मानते हैं, 10 अवतार। तो ये राम भी मरे, कृष्ण भी मरे, और तुम उनका भजन करके अमर बन जाओगे? वो खुद ही मर गए तो उनका भजन करोगे? अमर जो है उसी का भजन करोगे तो ही अमर बन पाओगे। आगे गोरख मर गए, मच्छेंद्र मर गए। गोरख मर गए, मच्छेंद्र मर गए। मर गए शंकराचार्य, मर गए शंकराचार्य। तो मच्छेंद्र भी मर गए, गोरख भी मर गए, शंकराचार्य भी मर गए, सब जो जो भी गुरु बने हैं, गुरु पद से आसीन हुए हैं, दुनिया ने उन्हें गुरु माना, लेकिन वे गुरु मानने से न वो शिष्य बचे न गुरु बचे, गुरु भी मर गए और शिष्य भी मर गए। जिसने भी देह पाया है, जिसने भी जन्म लिया है, वो अमिट नहीं होगा, मिटना ही पड़ेगा। भोगी मरी है, जोगी मरी है। भोगी मरी है, जोगी मरी है। मरी है लख चौरासी, मरी है लख चौरासी। ब्रह्मा मर गए, विष्णु गए। ब्रह्मा मर गए, विष्णु मर गए। मर गए शंकर ध्यानी, मर गए शंकर ध्यानी। साधुए मुर्दों का गाओ, Yeah.
पापी मरी है, धर्मी मरी है। पापी मरी है, धर्मी मरी है। मर गए स्वर्ग सम्राटा, मर गए मरते हैं, धर्मी भी मरते हैं। ये नहीं कि पापी मरते हैं, धर्मी भी मरते हैं। मृत्यु लोक में ही मरते नहीं, स्वर्ग में भी मरते हैं। इंद्र को भी मरना पड़ता है, वो स्वर्ग का सम्राट है, वो भी मरता है। सीता मर गई, राधा मर गई। सीता मर गई, राधा से सीता प्रसिद्ध हुई, वे राम भगवान ही नहीं रहे, उनकी पत्नी भी नहीं रही। भगवान कृष्ण की पत्नी या प्रेमिका रुक्मणी राधा, वे भी नहीं मरे। जिन्होंने जन्म दिया है, शरीर धारण किया है, वो लक्ष्मी विष्णु भी नहीं रहे, उन्हें भी जाना पड़ा। ब्रह्माणी और ब्रह्मा को भी जाना पड़ा, शंकर और पार्वती को भी बोलो जाना पड़ा। न शंकर रह पाए न पार्वती। देह धरी का धर्म है, देह धरी का धर्म है, सबका हुके होए, सबको होता है, सबको, कोई बचता नहीं। क्या धर्मी का और देह का धारण करने का धर्म है, क्या है? देह धरी का धर्म है, सबका हुके हो। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोय, भोगना पड़ेगा। ज्ञानी ज्ञान से भोगेगा कि आया है जाएगा, मूर्ख हाय मर गया, हाय बाप, हाय बेटा, हाय पति, ये ऐसे मरना तो सबको है। देह धरी का दंड है, देह धरी का दंड है, पनिशमेंट, सजा। जिसने भी देह को मैं करके माना, बस उसको तो देह का धर्म मरना भोगना ही पड़ेगा। माता मरी है, पिता भी मरी है। माता मरी है, पिता भी मरी है। पूछा कौशल्या जी को, माँ अपना राम से कहते कि हे बेटा, मरने के पहले मैं आत्मा को जान लूँ, ऐसा कोई मंत्र बता दो, क्योंकि अब मेरा दिन समाप्त होने जा रहा है, अब मेरे को जीने की आशा। तो माँ भी मरती है, बेटा भी मरता है, पति भी मरता है, भगवान की पत्नी भी, सब मरते हैं। फिर से माता मरी है, पिता भी मरी है। माता मरी है, पिता भी मरी है। मर गए नाना नानी, मर गए नाना नानी। पति मरी है, पत्नी मरी है। पति मरी है, पत्नी मरी है। अमर आत्मा हूँ।
उपाधियां हैं जिनमें ये जीव बंध जाता है और 84 लाख योनियों का चक्र काटता है। तीन ही है कोई उपाधियां हैं, या तो वो कोई रा की गिनती में आएगा, या कोई री की गिनती में आएगा, या कोई रे की गिनती में आएगा। जगत में कुल तीन है और तीनों ही तुमको संसार में बांधने वाले हैं। तुम तीन में ही बंधे हो, चौथा कोई पैदा हुआ नहीं और होगा भी नहीं। तुम्हें 84 में भटकाने वाला है तो या तो रा या री या रे। अब तुम सोचो कि तुमने आज तक अपने को किन किन में बांध रखा है, जिनको मेरा मेरा मेरी मेरी और मेरे मेरे, इन तीनों को ढूंढो और इनको जानो कि ये शत्रु। पर तुमने उनको प्राण प्रिय छाती से लगा के जकड़ के रखा है, जो तुमको गला घोटने वाले हैं उनको जकड़ के रखा है। अब तुम कैसे बचोगे, वे तो तुम्हारे को गला घोटने वाले हैं और घुट घुट के रो भी रहे हो उन्हीं के लिए, और किसी दूसरे के लिए तुम कोई ना रुलाने वाला है न तुम रोने वाले हो। वो ही रुलाने वाले हैं और उन्हीं के लिए तुम रोने वाले हो, या तो कोई रा या तो कोई री या कोई रे। तो अब तुम खुद सोचो एकांत में बैठकर, सत्संग यही है कि कौन कौन को मैंने आज तक मेरा मेरा, ढूंढो इनको, कागज पे लिख लो मेरा किस किस को कहता हूँ, कौन कौन मेरा है, एक एक को ढूंढो। वो यही मेरा को फांसी देने वाले हैं, यही मेरा गला घोटने वाले हैं, यही मुझे 84 के चक्कर में डालने वाले हैं। धिक्कार है मेरी बुद्धि को जो मुझे 84 में डालने वाला है, जो मुझे 84 के बंधन में डालने वाला, जो मुझे जहर देने वाला है, हलाहल साक्षात विष देने वाले हैं और मारने वाले, उनको मैं अपना प्राण प्रिय मान रहा हूँ। और जो मेरा सुख देने वाले हैं सद्गुरु भगवान, उनको निग्लेक्ट कर रहा हूँ, उनका तिरस्कार कर रहा हूँ, उनको आया गया मान लेता हूँ। और जो मेरे नहीं, जो मुझे दुख देने वाले, फांसी देने वाले, 84 में भटके, उनको मैं अपना तेरे बिना भी कैसे जीऊँगा, साथी रे तेरे बिना भी कैसा जीऊँ। अरे तू तो उनके द्वारा मृत्यु को पाने वाला है और तू सोचता है कि मैं जीने वाला हूँ, तो तुम ढूंढो। तुम जितने बैठे हो यहाँ आए हो कोई पूजा करने के लिए नहीं आए हो, बल्कि उसको खोजो कि कौन मेरे को 84 में बांधने वाला है। ढूंढो, एक एक को बोलो जिसको तुमने मेरा कहा है, एक एक को मेरा ढूंढने से मालूम पड़ जाएगा। एक एक ढूंढो कि कौन कौन को मैं मेरा कहता आ रहा हूँ, आ रही हूँ मेरा। अब मेरे तो कोई है नहीं, तो निरंजन किसको बोलेगा कि कोई बाप है कि माँ है कि भाई है कि बंधु है कि कोई सगा संबंधी, कि कोई आश्रम भी नहीं, शरीर भी नहीं, कोई भी नहीं है जिसको ये कह सके कि मेरा। तो अब तुम सोचो तुम्हारे कितने 50 को मेरा बना कर बैठे हो, मेरा खसम, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा मकान। अरे तुमको बोलना है, मैं तो कह दिया कि निरंजन का एक भी नहीं है, शरीर दृष्टि से कोई एक भी ढूंढने को नहीं, शरीर दृष्टि से भी जिंदा नहीं है कोई। बाकी तुम्हारे तो बहुत जिंदा है, रोज फोन आता है, दिन में 3 बार पूछते हो कैसा हो, कैसी हो, कम छो, तुम्हारी देह कीमती अच्छी, भल अच्छी नहीं,
रोग अच्छी कौन रोग अच्छी डॉक्टर को दिखाया नहीं इत्यादि। तुम तो दिन में यही तो भजन करते हो, बिस्तर पे सोते सोते, बिस्तर से उठते उठते, और दिन भर में यही। तो तुमने किस किस को मेरा मेरा बनाया है बोलो एक एक। अरे तुम मुर्दा हो कि जिंदा हो? जिंदा। तो जिंदा है तो बोलो ना किस किस को मेरा अभी तक तुमने बनाया। अरे मेरा बेटा है कि मर गया बोलो। तो फिर बेटा तो मेरा तो ऐसे ही तो, और भी तो कितने को मेरा बनाया है। मेरा मकान, मेरा जूता, मेरा पति, मेरा ससुर, मेरा दांत, मेरा कान, और इसी प्रकार मेरा नाक, ये सब मेरा ही तो कहते हो इनको। अरे तुम तो ऐसे जैसे परम सन्यासी हो गए, निरंजन के भी बाप बन गए। निरंजन का तो कोई नहीं, तुमके मेरा भी कुछ भी नहीं। तुम तो रट रट के बैठे हो, रजिस्ट्री करा करा के बैठे हो, कोर्ट जा कर बैठे हो, बैंक में जा कर करा रखे हो सब तुमने। तो बताओ कितने कितने को राह बनाया है। मेरा मोबाइल कहाँ गया? मेरा गाड़ी मेरा गाड़ी को मेरी गाड़ी बोलते हैं। मेरी लाड़ी, मेरी पाड़ी, मेरी साड़ी, मेरी नाड़ी, कौन है तुम्हारा? विचारो इनमें तुम्हारा कौन है? न साड़ी, न गाड़ी, न लाड़ी, न पाड़ी, न नाड़ी, ये सब दृश्य हैं। ये सब क्या है? दृश्य है। और तुम कौन हो? दृष्टा। तो दृष्टा कभी दृश्य बन सकता है? नहीं। कुत्ते को देखने वाला कुत्ता हो सकता है? नहीं। गधे को देखने वाला गधा हो सकता है? नहीं। मकान को देखने वाला मकान हो सकता है? नहीं। पेड़ को देखने वाला पेड़ हो सकता है? नहीं। मल को देखने वाला मल हो सकता है? नहीं। थूप को देखने वाला थूप हो सकता है? नहीं। बालों को देखने वाला खुद बाल हो सकता है? नहीं। तो कस त्वम, ये तो मेरे को सुनाने के लिए अंदर से मेरा वो, मेरी वो, मेरे वे, उनके बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, उनके बिना मैं कैसे जी सकता हूँ। अंदर तो ये भजन चल रहा है और ऊपर से बोलते हो दृष्टा साक्षी आत्मा। तो दृष्टा हो मानते हैं, सत्य है, साक्षी है मानते हो, तो फिर तुम अपने को कहाँ मान रहे हो? तुम तो वो उसको मान रहे हो। दृष्टा साक्षी, सदा दृष्टा साक्षी रहेगा। कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा, हम आत्मा हम, लेकिन तुमने तो पति हम, पत्नी हम, सास हम, ससुर हम, बेटा हम, बेटी हम, की गाड़ी हम, की घोड़ा हम, ऐसे मान रखा। तो रा भी मरी है, री भी मरी है, और रे भी मरी है, कोई बचने वाला नहीं। बचने वाले तो तुम एक दृष्टा साक्षी, बस ये तुम्हारा असली स्वरूप। बोझा उतार दो, कब तक ये बोझे को लेकर चलते रहोगे? जन्म जन्म बीत गए, एक नहीं, दो नहीं, अनंत 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 जन्म बीत गए। मेरा मेरी और मेरे का साथ झूठा संबंध जोड़कर 84 में झूठा संबंध, ना कोई तुम्हारा मेरा से सच्चा संबंध है, ना मेरी से कोई सच्चा संबंध है, ना मेरे से कोई सच्चा संबंध है,
सच्चा संबंध मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये सच्चा संबंध है जिसको झूठा करके मान रखा है। और जो झूठे हैं रोज तुम्हें दुख देने वाले, चिंता में अग्नि में डालने वाले, दुख के कांटे चुबाने वाले जो है, कौन दुख का कांटा चुबाएगा, कौन चिंता की अग्नि में जलाएगा, दूसरे की जिनको तुमने अपना माना है, जिनको अपना माना है उन्हीं के लिए तो रोओगे, उन्हीं की तो चिंता करोगे, वही तो तुम्हें दुख देंगे, और कोई तुमको दुख देने वाला नहीं, चिंता अग्नि में जलाने वाला नहीं, दुख के कांटे चुबाने वाला नहीं। अब तुम मनुष्य नहीं पशु हो, तुम मनुष्य नहीं पशु हो, क्योंकि पशु को ये विवेक नहीं है कि मेरा से मैं अलग हूँ, मेरी से मैं अलग हूँ और मेरे से मैं अलग हूँ, ये पशुओं को ज्ञान है नहीं, पशुओं को ज्ञान नहीं है। और तुमको भी ये ज्ञान बोलो बोलो नहीं, तो पशु के समान हो, ज्ञान नहीं ना पशु समान, पशु के बराबर है। फर्क यही है कि वो दो टांग वाले हैं कि हम चार टांग वाले हैं, कि वो चार टांग वाले हैं और हम, बस फर्क इतना ही है, वे चार स्तन वाले हैं, हम दो स्तन वाले हैं, हमारे दो स्तन हैं, उनके चार चार हैं, उनकी चार टांगे हैं, हमारी दो टांगे हैं, अंतर यही है। वे सींग वाले हैं, हम बिना सींग के पशु हैं, सींग समझते हो ना, सींग तो उनकी जात के हो तुम, लेकिन अगर तुमने जान लिया कि ये शरीर मैं नहीं, बोलो नहीं, मेरा नहीं, मेरे नहीं है, कस्त्वम द्रष्टासि, तो तुम ब्रह्म हो, तो तुम ब्रह्म हो, वंदनीय है सबको, मेरा चरणों में प्रणाम है सबको, मेरा बारंबार प्रणाम है, तुम तो साक्षात परम ब्रह्म हो, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। पर कब जब इस चमड़े को अपना मानना छोड़ देते हो, हृदय से, हृदय से, वाणी से तो सब बोलना सीख गए कि मैं शरीर नहीं हूँ, पर अंदर से तो स्त्री भाव, पुरुष भाव, दुखी भाव, सुखी भाव, गरीब अमीर का भाव, ये बना रहे हो। एक बार फिर से दोहराओ इसी भजन को शुरू से, सोच सकता आंखें बंद कर लेना और उसको देखते जाना अंदर, मेरे को नहीं देखना, बाहर मत देखना, अपने को अंदर देखते रहना कि मैं ये जो बोल रहा हूँ ये स्वीकार है कि नहीं। करीब था तो अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे समान पृथ्वी पर कोई दूसरा सम्राट नहीं हुआ है, जितना मैंने अपने राज्य का विस्तार किया है, खजाने का विस्तार किया है, किसी ने नहीं किया, और मैं उसको मरने के पहले देखना चाहता हूँ कि मैंने कितना धन राज्य विस्तार किया है, सारा धन खजाना बाहर पहाड़ की तरह रख दिया लाला कर, इतने हीरे, इतने जवाहरात, इतना सोना, इतनी चांदियाँ, इतना इतना मैंने किया है, ऐसा पृथ्वी पर किसी ने भी
नहीं किया है। ओहो, तेरे को इतनी गर्मी लग रही तो एक पंखा और चालू कर दो चल पंखा, उसका हाथ बंद नहीं हो रहा है जब से बैठी है। तो उस सिकंदर ने अपने मंत्री से कहा कि जब मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, तब वो जो जनाजा जिसको मुर्दे कहते हैं वो जा रहा होगा, मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। जनाजे के बाहर सब मुर्दे को बांध के ले जाते हैं, हाथ भी टांग भी सर भी सब कहते हैं, बोले मेरे बाहर करना। बोले ऐसा तो आज तक किसी राजा ने नहीं किया, उन दिन मूर्ख राजा रहे होंगे, उन्होंने हाथ बाहर नहीं किए। मैं दुनिया को शिक्षा देकर जाना चाहता हूँ कि सिकंदर जैसा महान सम्राट भी जब गया तो दोनों हाथ उसके खाली। बैंक का तो तुम्हारा साथ जाएगा ना, वो कागज ले लेना बैंक वालों से कि जितना मैं अपने साथ ले जाऊंगा, जितना करोड़ जितना तुमने जमा किया। अरे दोनों हाथ खाली करके गया सिकंदर जब दुनिया से, तो जब जन्म लेता है तो कैसा लेता है, मुट्ठी बांधे आया सो हाथ पसारे जाएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, तुम जानो कि मत जानो, कोई का साथ नहीं जाएगा, सब यही रख दिया जाएगा, ये मुर्दों का गांव। तो इस तरह से राजा भी मर गए और प्रजा भी मरते हैं। आगे फिर आके बंद बंद रखना और विचारना, राजा भी मरेगा और यह प्रजा भी मरेगी, बाप भी मरेगा बेटे भी मरेगा, फिर में ये जो 1,00,000, 20,00,000, 50,00,000, 1,00,00,000, 10,00,00,000 किसके लिए कर रहा हूँ, लोगों का शोषण करके, झूठ बोलकर, मिलावट करके, गलत गवाह देकर, इस तरह से मैं किसके लिए कर रहा हूँ। एक दिन तो मेरे को ऐसे ही खाली हाथ जाना पड़ेगा, और जिनके लिए करता हूँ वो मेरे दुश्मन हैं, जिनके लिए मैं जमा कर रहा हूँ ये मेरे दुश्मन हैं, इन्हीं में तो ममता करके मुझे मरना पड़ रहा है, इन्हीं में तो ममता मेरा भाव करके 84 में भटकना पड़ता है। आगे राजा मरी है पर जा मरी है, मरी है वैद और रोगी, मरी है वैद और रोगी, साधु ये मुर्दों का गांव, साधु ये मुर्दों साधु ये मुर्दों
अमर आत्मा
लोग आंखें खोल लें। कई मूर्ख लोग अज्ञानी लोग पुरी लेकर जाते हैं मुर्दे को, वहां जाकर जलाते हैं। पुरी के आग में वो मुक्ति पा जाएंगे और तुम्हारे गांव की आग में वो मुक्ति नहीं पाएंगे। कोई गंगा में किनारे में ले जाते हैं और वहां गंगा के किनारे उसकी अग्नि संस्कार करते हैं। निरंजन का प्राण निकल जाए तो गहरे पानी में डाल देना, ताकि मगर मछली को तो भोजन मिल जाएगा और तुम पूरी ले जाके जलाओगे या अगर यहाँ अपने गांव में आग में जलाओगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए गहरे पानी में, जहाँ गहरा पानी है वहाँ मगर मच्छर मछलियाँ कछुए अपना भोजन बना लेंगे तो उनका जीवन निर्वाह बनेगा। लेकिन शरीर के द्वारा कभी किसी का कल्याण हुआ नहीं है, तो सब आया है मरने के लिए, पर आत्मा की कभी मृत्यु, और वो आत्मा मैं हूँ, उसी ने जीवन में गुरु पाया है, उसी ने जीवन में सत्संग पाया है, उसी ने अपना कल्याण किया है। और देह को जिन जिन ने भी अपना जाति वाला, आश्रम वाला या संबंध वाला माना, ये सब मरेंगे और बार बार जन्म लेते रहेंगे। आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य है, अनात्मा है, शव है, शिव है, पर प्रकाश है, बद्ध है, तो फिर जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, वन मोक्ष किसको। कस्तवा जाओ छुट्टी।